रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आए दिन नए बदलाव करता रहा है। आज हम आपको एक ऐसी सुविधा के बारे में बताएंगे, उसे सुनकर आप खुशी से उछल जाएंगे। रेलवे अपने नियम में जो बदलाव की बात कर रहा है, उससे लाखों यात्रियों को प्रतिदिन लाभ मिलने वाला है। बता दें कि शताब्दी, जनशताब्दी और इंटरसिटी ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस वीडियो में हम आपको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। कोरोना काल जैसे ही समाप्त हुआ, रेलवे ने अपने कई नियमों में बदलाव करना शुरू कर दिया। चाहे वह जनरल क्लास में रिजर्वेशन करवाना हो या फिर एसी कोच में कंबल देना, रेलवे एक बार फिर से पुराने ढर्रे पर आना चाह रहा है, जिससे कि यात्रियों को यात्रा के दौरान परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमने देखा कि रेलवे किस तरह से पटरियों में बदलाव कर रहा है। इतना ही नहीं, रेलवे ने जिन नियमों में बदलाव की बात कही है, उसमें यह साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में शताब्दी, जनशताब्दी और इंटरसिटी ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को जबरदस्त सुविधा का लाभ मिलने वाला है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में। तो अब आप कान खोल लीजिए, क्योंकि आगे जो हम आपको बताने वाले हैं, उससे आपको रेलवे में यात्रा के दौरान चेहरे पर सिर्फ खुशी आने वाली है। जी हां, खुशी। बता दें कि शताब्दी, जनशताब्दी और इंटरसिटी ट्रेनों के यात्रियों को अब सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत से सफ़र करने का सुनहरा अवसर मिलने वाला है। फिलहाल तो आपके दिमाग में यह बात चल रहा होगा कि आखिर वंदे भारत ट्रेन का रिप्लेसमेंट किस रूट में होगा। इस पूरे रूट को लेकर बोलते हुए रेल मंत्री ने बताया कि पहले चरण में दिल्ली लखनऊ, दिल्ली अमृतसर और पूरी हावड़ा के साथ साथ 27 ऐसी रेलवे रूट पर वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इसके साथ साथ भोपाल और दिल्ली चंडीगढ़ रेलवे लाइन पर चलने वाली शताब्दी ट्रेनों को भी बदलने की तैयारी चल रही है। इन रूटों पर ट्रेनों के बदलाव को लेकर चेन्नई की इंट्रीगल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगस्त 2023 तक 75 ट्रेनें तैयार की जाएगी। इतना ही नहीं, वंदे भारत की जो ट्रेनें तैयार हो रही है, वह पुरानी तकनीक से एकदम अलग होगी, यानी कि पूरी तरीके से अपडेटेड होगा। साथ ही साथ पूरी तरह से स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी। वंदे भारत की शुरुआत हो जाने के बाद से यात्रियों को यात्रा का तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही साथ यात्रियों का पूरा समय भी बचेगा। तो ये था रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ यात्रा सुकून की होगी।